नमस्ते गुरुकुलियंस, कक्षा नौवीं के हिंदी के एक और कालांश में आप सबका स्वागत है। हमने अपने पिछले कालांश में हमारा जो रीढ़ की हड्डी नामक कहानी थी उसका प्रश्नाभ्यास करना हमने प्रारंभ किया था, और प्रश्नाभ्यास के अंतर्गत 11 प्रश्नों में से 5 जो प्रश्न हैं उनको हमने पढ़ा था, जाना था, समझा था। आज के इस कालांश में हम प्रश्न नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमें इस प्रश्न के उत्तर में ये बताना है कि हमें शंकर और उमा जैसे व्यक्तित्व वालों में से किस तरह के व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं उनकी समाज को आवश्यकता है। तो निसंदेह रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर हम भली भांति कह सकते हैं कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की सख्त जरूरत है। उमा का व्यक्तित्व जो है वो साहस और हिम्मत से भरा हुआ है। उमा एक स्पष्ट वक्ता है कहानी में। उमा अन्याय को चुपचाप सहन करके उसे बढ़ावा नहीं देती। उमा जो है वो रूढ़ी और कुरीतियों से लड़ने का साहस जो है वो उमा के अंदर विद्यमान है। उमा लड़के और लड़की के भेदभाव को समाज से मिटाना चाहती है। उमा जो है वो चरित्रवान, कर्मठ और दृढ़ निश्चयी है। उमा समाज को नई दिशा देने में समर्थ है। उसमें किसी भी प्रकार की जो हीन भावना है वो नहीं है। दूसरी ओर जो शंकर है वो एक चरित्रहीन किस्म का जो व्यक्ति है, कमजोर व्यक्तित्व वाला युवक है, वह समाज को किसी भी प्रकार की जो दिशा है वो नहीं दे सकता। तो इन्हीं बातों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की सख्त जरूरत है, क्योंकि शंकर जैसा आदमी समाज की उन्नति में किसी भी प्रकार का कोई भी योगदान नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। जो रीढ़ की हड्डी हमारी कहानी का शीर्षक है, इसकी सार्थकता पर हम लोगों को प्रकाश डालना है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। रीढ़ की हड्डी ही शरीर को सीधा और जो मजबूत है ना वो बना करके रखती है, और यही जो दशा है वो हमारे समाज की भी है। शंकर जैसे जो युवक होते हैं वो रीढ़ की हड्डी से रहित होते हैं, उनका खुद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वे चरित्रहीन किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों से समाज कभी भी विकसित नहीं हो सकता। दूसरी ओर जो उमा है, समाज को उमा जैसे चरित्र और दृढ़ निश्चयी लोगों की जरूरत है, उमा जैसे कर्मठ व्यक्तित्व वाले लोगों की जरूरत है। ऐसे लोग ही समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। और प्रस्तुत कहानी, प्रस्तुत जो रीढ़ की हड्डी हमारी कहानी है, इसी लक्ष्य को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सार्थक है, और इसीलिए ये कथन भी अपनी जगह पूर्ण रूप से सार्थक है। प्रश्न नंबर 8, कथावस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? हमें ये बताना है कि जो हमारी कहानी है उस कहानी की कथा वस्तु के आधार पर, कहानी का यानी जो रीढ़ की हड्डी हमारी कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है। मुख्य रूप से कहानी में अनेक किरदारों ने अपने पात्र को निभाया है, शंकर, उमा, गोपाल प्रसाद, रामस्वरूप, उमा की माताजी, उमा के घर में काम करने वाला नौकर। लेकिन हमें पाठ के आधार पर ये बताना है कि इस कहानी का मुख्य जो पात्र है वो कौन है। तो कथा वस्तु के आधार पर निसंदेह इस कहानी का सबसे प्रमुख पात्र जो है वो उमा ही है।
उमा के माध्यम से ही सारी की सारी कहानी का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। प्रस्तुत कहानी में उमा अपने सशक्त मजबूत चरित्र द्वारा सभी पात्रों को, सभी पाठकों को, दर्शकों को प्रभावित करती हुई नजर आती है। उमा के माध्यम से समाज की रूढ़िवादी विचारधारा पर करारा व्यंग्य किया गया है। कथावस्तु की पूरी कहानी, पूरी के पूरी घटना जो है वो उमा के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कहानी में चाहे उमा प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हुई हो या ना आई हुई हो, लेकिन फिर भी संपूर्ण कथानक उमा के बारे में ही कहता हुआ, बोलता हुआ, दर्शाता हुआ नजर आता है। यानी सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि सारे का सारा जो कथानक है वो उमा के इर्द गिर्द चक्कर काटता हुआ नजर आता है। तो इसलिए कहानी यानी ये जो एकांकी है इसका प्रमुख पात्र कौन है? उमा। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि कहानी सारी की सारी कहानी है वो उमा के इर्द गिर्द घूमती है। उमा ही जो गोपाल प्रसाद और शंकर जैसे जो लोग हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करती है। उमा ही मतलब नारी शक्ति को यहाँ पर उजागर करती हुई प्रतीत होती है, रूढ़िवादी विचारधारा का खंडन करती है। शंकर जैसे कमजोर और चरित्रहीन लड़के के चरित्र को समाज के सामने लेकर के आती है। तो फलस्वरूप इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो उमा ही है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की चरित्र की विशेषताएं हम लोगों को इस प्रश्न के उत्तर में बतानी है। तो सबसे पहले उमा के जो पिताजी थे राम स्वरूप, उनके चरित्र के बारे में बात कर लेते हैं। राम स्वरूप जी जो थे वो लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में थे। वह अपनी पत्नी का विरोध सहन करने के बावजूद भी अपनी लड़की उमा को बीए तक की शिक्षा दिलवाते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है वो लड़कों की तरह आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन साथ में वो एक दब्बू कमजोर व्यक्तित्व वाले आदमी भी हैं। वह प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ हैं। वह लड़के वालों के सामने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं ताकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के लिए उमा का जो रिश्ता है वो मंजूर कर ले। बात करते हैं गोपाल प्रसाद की। गोपाल प्रसाद प्रस्तुत कहानी में शंकर के पिताजी का जो रोल है, किरदार है, वो निभा रहे हैं। इस कहानी में गोपाल प्रसाद को नारी का शत्रु जो है वो बताया गया है, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल विरोधी हैं। वो रूढ़िवादी विचारधारा के भी हैं। पाठ में हमने पढ़ा उनके बारे में कि उन्होंने कुछ ऐसे उदाहरण दिए जो स्त्री जाति पर व्यंग्य करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं पुरुष की तुलना में स्त्री जाति को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वो रूढ़िवादी हैं, अतीत से चिपके रहने वाले आदमी हैं और खुद एक धनाढ्य परिवार से संबंधित होते हुए भी अपने लड़के के लिए कम पढ़ी लिखी जो हैं वो बहू चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा अत्यंत चतुर चालाक लालची प्रवृत्ति वाले भी हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है और वो तर्क और वितर्क के सहारे गलत बात को भी सही करना चाहता है। तो ये थी गोपाल प्रसाद की कुछ चारित्रिक विशेषताएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर नजर डालते हैं। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है लिखिए। एकांकी कहानी जो रीढ़ की हड्डी हमारी कहानी है, इस कहानी का उद्देश्य हम लोगों को बताना है। रीढ़ की हड्डी नामक जो कहानी है वो एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक एकांकी है और इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है वो नारी शिक्षा को समाज में उचित स्थान दिलाना। ये कहानी जो है
वो लड़के और लड़की के भेदभाव पर व्यंग्य करती है। कहानी के अनुसार लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। लड़की भी लड़के के समान उच्च शिक्षा की अधिकारी होती है और वो कुर्सी मेज की तरह कोई निर्जीव चीज नहीं है जिसका कि सौदा किया जा सके। लेखक ने उमा के चरित्र के माध्यम से पुरानी और परंपरावादी विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया है। शंकर और उसके पिताजी के द्वारा व्यर्थ की जांच पड़ताल करने के कारण उमा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और उमा जो है वो अपमान ना सहते हुए गलत लोगों की जो प्रवृत्ति है उसकी वास्तविकता को समाज के सामने लेकर आती है। सारांश रूप से अगर हम बात करें तो कहानी के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है कि आज की जो आधुनिक नारी है वो इतनी शिक्षित हो चुकी है कि वो अपना अस्तित्व भली भांति पहचानने में समर्थ है। तो मुख्य जो बात है वो कहानी में बताई गई है कि नारी शिक्षा को समाज में उच्च स्थान मिलना चाहिए और लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। रूढ़िवादी विचारधारा जो होती है उससे ऊपर उठ करके हमें समाज के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। अंतिम प्रश्न पर नजर डालते हैं प्यारे बच्चों, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। समाज में लड़कियों को महिलाओं को एक उचित स्थान मिले, वो भी सम्मान की हकदार बने, वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समाज की प्रगति में सहायक बने, इसके लिए हम अपनी तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, उन प्रयासों के बारे में हम लोगों को इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो सबसे पहले सबसे जो मुख्य बात है वो ये है कि हमें महिलाओं को शिक्षा दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो महिलाओं को शिक्षा देना अत्यंत अनिवार्य है। दूसरी बात, घर और परिवार में महिलाओं को उचित सम्मान दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात, महिलाओं के लिए जो अधिकार होते हैं उनके लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए। महिलाओं के भलाई के लिए, कल्याण के लिए जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको लागू करवाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और नारी जो होती है, नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिला करके हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। कहने का मतलब, नारी को समाज में सम्मान मिले इसके लिए हमारी तरफ से ये सभी जो प्रयास हैं वो किए जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारी रीढ़ की हड्डी नामक जो कहानी थी उसका प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास की जो PDF है वो आपके पास भेजी जाएगी। प्यारे बच्चों, मुझे कहानी जो मैंने आपको 3-4 कालांशों में बताई, अगर कहानी भली भांति आपकी समझ में आई है तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रश्न को समझने में आपको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आशा करता हूँ आप इस कहानी को पढ़ेंगे और याद रखने में, स्मरण करने में आपको आसानी होगी। अगले कालांश में एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अनेक अनेक धन्यवाद।